क्या यार सच में यूपीआई के लिए 1.1 ट्रांजेक्शन फी हमें देना पड़ेगा क्या? ये जितनी भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस दिख रही हैं, जितने भी ये इकोनॉमिक टाइम्स और जितने भी मीडिया वाले अपने न्यूज़पेपर के थ्रू या अपने वेबसाइट के थ्रू डाल रहे हैं वेबसाइट पे, क्या सच है न्यूज? क्या सच में हमें पे करना पड़ेगा 1.1 ट्रांजेक्शन फी? सो गाइस, कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं देना है यूपीआई। मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ये एकदम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज 1 अप्रैल 2023 है, आज से सबने बोला था चार्ज लगेगा, मैंने खुद ट्राई करके देखा है, कोई भी चार्ज डिडक्ट नहीं हो रहा है 1.1%, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो गाइस, बेसिकली है क्या इस पूरा मुद्दा, ये शॉर्ट समराइज में आपको बता देता हूँ एंड यही एक्चुअली। सो गाइस, बेसिकली ऐसा है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है यूपीआई ट्रांजेक्शन फी पे। अगर आप बैंक टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपको 0% चार्जेस है, कोई भी चार्जेस नहीं। आप फेक न्यूज पे मत विश्वास करो, खुद नेशनल एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर के थ्रू आज बताया, आप देख सकते हो। एंड अगर आप कोई वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन करते हो या क्रेडिट कार्ड टू वॉलेट ट्रांजेक्शन करते हो, डिजिटल पेमेंट आप कुछ भी करोगे, तो उस पे आपको 1.1 ट्रांजेक्शन फी देना पड़ेगा। अगर आप करोगे 2000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन, तभी 2000 का 1.1 ट्रांजेक्शन फी होता है गाइस, कुछ 22 से 24 रुपए, तो आपको उतना देना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कुछ करते हो वॉलेट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड टू वॉलेट के थ्रू, या फॉर एग्जांपल अमेजोन पे के थ्रू आप एयरटेल पेमेंट बैंक में कर रहे हो, या एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू आप पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट में कर रहे हो, देन आपको ट्रांजेक्शन फी देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कोई ट्रांजेक्शन फी देना नहीं पड़ेगा। मैंने खुद ट्राई करके देखा गाइज, अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो देयर इज नो चार्जेबल। सो यू कैन बी, आई मीन, आप यूपीआई ट्रांजेक्शन 1 लाख तक का पर डे आप कर सकते हो, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट देयर इज नो चार्जेस, यू कैन कॉन्फिडेंटली डू इट। सो गाइज, ये मेरे पास एक न्यूज थी आज मेरे को जो बताना था। मैं खुद सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊं लेकिन मैंने बनाया नहीं, बिकॉज मैं वेट कर रहा था 1 अप्रैल का, एंड 1 अप्रैल को मैंने खुद ट्राई करके देखा एंड एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद आज अपने ट्विटर के थ्रू बताया, एंड डीएनए ने भी अपने वेबसाइट पे बताया, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी बताया, तो सारी वेबसाइट्स जाने माने लोगों ने बताया कि कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं है, एंड सबने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है। सो गाइज, देयर इज नो ट्रांजेक्शन फी। सो गाइज, अपडेट देना था, एंड आपको कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक कर दो, एंड मेरे चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। माई सेल्फ देवेश, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू गाइस, जय हिंद दोस्तों।